हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी, इंस्टाग्राम ग्रोथ किस टाइप से किया जाता है, इंस्टाग्राम को मोनेटाइज किस टाइप से किया जाता है। बहुत सारे पर्सन स्टक हो जाते हैं, बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि हमारा प्रोफाइल बिल्ड नहीं हो पा रहा है, प्रोफाइल में हमारी ज्यादा ज्यादा ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पा रही। इंस्टाग्राम को बिल्ड किस टाइप से किया जाता है, इंस्टाग्राम से हम पैसा किस टाइप से कमाया जाता है, क्योंकि आप भी आज कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई ना कोई आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या फिर अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। सो सबसे मेन चीज होती है अपना डिजिटल अकाउंट अच्छा बनाना, एकदम अट्रैक्टिव लगे, ताकि पर्सन यहाँ पे अपने साथ ऑडियंस कनेक्ट हो, अपन से वैल्यूएबल कंटेंट बनाए। ठीक है, तो किस टाइप से किया जाता है, उन्हीं चीजों से अपने को पैसा किस टाइप से जनरेट करना है, वो सारी चीज आप इस वीडियो में समझोगे। किस टाइप से करना, सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। आपको सिंपली आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल बना के बताऊंगा आपको किस टाइप से करना है। ठीक है, आपको किस टाइप से आपको यहाँ से पैसा जनरेट होगा। फर्स्टली हमको यहाँ पे इंस्टाग्राम अपडेट करना है, अगर आपका अपडेट नहीं हो, अपडेट अगर कर लिया है तो आपको कम्प्लीटली फर्स्ट अपना बिजनेस अकाउंट बनाना, क्योंकि देखो बिजनेस अकाउंट बनाना इसलिए मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वहां से पैसा जनरेट कर रहे हो। पैसा किस टाइप से बनाया जाएगा आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा कि आप हर पोस्ट से पैसा किस टाइप से कमाया जाएगा, हर रील से आप पैसा किस टाइप से कमा सकते हो। ठीक है, सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कम्प्लीटली आपको देखना है। तो फर्स्ट हमको इंस्टाग्राम अगर अपडेट ना हो तो अपडेट कर लेना। सेकंड आपको करना है अपना बिजनेस अकाउंट बनाना। ठीक है, जिस पर्सन का पर्सनल अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट में कनेक्ट कर ले, ताकि वहां से आप इनकम जनरेट कर लो, पर्सन आपको वहां से ऑडियंस कनेक्ट हो, क्योंकि आप जितना वैल्यूएबल कंटेंट डालोगे, जितना वैल्यूएबल चीजें आप प्रोवाइड करोगे, उतनी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी। ठीक है, आप कोई सा भी वर्क करो, क्योंकि वर्क होता ही है एक बिजनेसमैन का। ठीक है, तो आप बिजनेस प्रोफाइल पहले क्रिएट कर लो। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी प्रोफाइल, क्योंकि प्रोफाइल एक ऐसी चीज है जो आपका पूरा अट्रैक्टिव चीज बताती है कि आप एक्चुअली में हो कौन। क्योंकि आप अगर पीयूष और पीयूष की जगह आप अगर सिद्धार्थ का फोटो लगाते हो, तो आप ही सोचो कि उस पर्सन को किसके नाम से जाना जाएगा, पीयूष के नाम से जाना जाएगा, और लगा वो फोटो किसका है, सिद्धार्थ का। तो सबसे मेन चीज है कि अपना खुद का फोटो डालो, ऐसा ना हो कि आप किसी फिल्म स्टार का डाल रहे हो, एक्टर का डाल रहे हो या फिर हीरोइन का डाल रहे हो, अपने खुद का होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो। सबसे मेन ट्रस्ट बिल्ड होता है प्रोफाइल से, प्रोफाइल आपकी खुद की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात आएगी हमारी बायो की, क्योंकि बायो एक ऐसी चीज है, बायो ये शो करवाती है आप एक्चुअली में वर्क क्या कर रहे हो। वर्क आप जैसे आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के साथ आप एक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, या फिर फ्रीलांसर हो, जो भी आप हो, उन सारी चीजों को वहां पे डालना है, क्योंकि वो जितना शॉर्ट टर्म में डालोगे उतना अट्रैक्टिव लगेगा, समझने में जल्दी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसमें हमको और क्या डालना है। तो देखो सेकंड थिंग्स आती है वहां पे, आप जो वर्क कर रहे हो किस चीज के लिए कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आप हेल्पिंग टू अदर डाल सकते हो, पीपल डेली अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। ठीक है, सोशल मीडिया डाल सकते हो, जो भी आप चीज वर्क कर रहे हो उसके बारे में सारा बेनिफिट भी वहाँ पे डाल सकते हो, जिससे पर्सन को पता चले कि आप एक्चुअली में वर्क क्या करते हो, किस टाइप से बेनिफिट लेते हो। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी हाइलाइट्स, हाइलाइट्स किस टाइप से अट्रैक्टिव बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को कन्फ्यूजन होता है कि किस टाइप से अट्रैक्टिव डालना है वहाँ पे, किस टाइप से हाइलाइट सेट करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम बताऊंगा कि किस टाइप से मेरा प्रोफाइल, किस टाइप से अकाउंट बना हुआ है, किस टाइप से मैंने हाईलाइट क्रिएट किया। तो देखो फर्स्टली हाईलाइट क्रिएट करने के लिए हमारे पास मेन 5 हाईलाइट्स होने चाहिए, जिससे पर्सन को स्टार्टिंग में शेड्यूल स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। फर्स्टली हो सकता है आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो फर्स्टली आपका अकाउंट में अर्निंग का होना चाहिए, सेकंड आपका होना चाहिए ट्रेनिंग, थर्ड होना चाहिए आपको मोटिवेशन, फोर्थ होना चाहिए टीम्स बेनिफिट, फिफ्थ होना चाहिए आपका कि आपको खुद का आप हो कौन, आपका खुद का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए हाइलाइट्स में, जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि मैं एक्चुअली में ये पर्सन हूँ। जैसे कि हमने बात की थी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की, बायो की, हाइलाइट्स की, तो इनके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल बताऊं तो जैसे एक शॉप होती है, शॉप का हमने डेकोरेशन कर दिया, लेकिन हमको अगर उसमें अगर सामान एग्जैक्टली सही जगह अगर नहीं मिलेंगे तो पर्सन क्या होगा, कंफ्यूज होगा, आपसे पूछेगा ये होगा, दूसरे से पूछेगा ये एक्चुअली में करता क्या है। क्योंकि अगर अगर अपन सारा सामान अगर अच्छे से जमा के रखेंगे तो हमारे डायरेक्ट पर्सन अगर बता सकता है ये क्या काय की दुकान है, किस टाइप से हमको यहाँ पे सामान मिलता है। उसी टाइप से हमारे इंस्टाग्राम पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपने बारे में बताया है, इंट्रोडक्शन दिया है, किस टाइप से हम पर्सन, किस टाइप से हमारा नेम है, किस टाइप से हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सारी चीज अपने स्टार्टिंग में बायो में रखी है, हाइलाइट्स में सेट किए, अपनी डीपी रखी है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पोस्ट में हमारा सामान रखेंगे, जिससे शॉप होती है, मैंने अभी एग्जांपल दिया। ठीक है, तो पोस्ट में हमको रखना है, पोस्ट में क्रिएट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कंटेंट। कंटेंट कहाँ से लेना चाहिए, देखो कंटेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वर्क कौन सा कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो अफिलिएट मार्केटिंग,
एफिलिएट मार्केटिंग में आपको 100 या 1000 आइडियाज मिल जाएंगे कि आप किस टाइप से कंटेंट बनाओ। कंटेंट एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए कि पर्सन को वहां से समझ जाए कि क्या एक्चुअली में वर्क कर रहा है और ये वर्क से हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कंटेंट में ऐसी बेनिफिट होते हैं कि पर्सन को अच्छे से वहां से एक्सप्लेन होता है, आपका आधा बिजनेस 50% वहां से क्लियर होता है। ठीक है, ये तो हो गई थी हमारी कंटेंट की बात, लेकिन मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा। आप सोचते होंगे आपने बहुत सारे पर्सन को देखा होगा कि वो स्टोरी डाल के भी पैसा कमाते, एक रील्स डाल के भी पैसा कमाते और एक पोस्ट डाल के भी पैसा कमाते, तो वो उस टाइप की स्टैप से करते हैं। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जैसे कि अगर बहुत सारे पर्सन है, अपन ने आज से 2 ईयर पहले अपन ने, हो सकता है अपन ने इंस्टाग्राम को इतना हार्ड नहीं लिया नहीं था, अपन सिर्फ लाइटली लेके अपन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया, लेकिन आज अगर उसके अगर आपको आज पावर पता चल रही है, आपने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, आप डिजिटल इरा में आए हो, डिजिटल बिजनेस को समझा है, तब आपको इसकी पावर समझ में आई है कि एक्चुअली हमारे पास अगर पहले से स्टार्ट कर लेते और हमारे पास ऑडियंस पहले से होती तो शायद हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आज से हम वापस से स्टार्ट करें तो इन चीजों को समझ के अपन को स्टार्ट करना है कि अपन को एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में अपन को कंटेंट अच्छा डालना है, तो उन पर्सन ने पहले अच्छे से ऑडियंस बिल्ड किया। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप ऑडियंस बिल्ड करो फिर बिजनेस करो, आपको वो चीज करना है कि आपको स्टार्टिंग बेस से स्टार्ट किया, आपके पास ऑडियंस भी आए, आप कंटेंट भी शेयर करो ताकि आपके पास वैल्यूबल चीजें अवेलेबल हो और आपके साथ कनेक्टेड ज्यादा हो पर्सन का। ठीक है, ऑडियंस का आपके पास फ्लो बना रहे, तो उसलिए आपको क्या करना है, कंटेंट अच्छे से बनाना। अब जैसे वो पर्सन अगर स्टोरी का चार्जेस लेता है तो स्टोरी का चार्जेस किस टाइप से, उसके पास पहले से ऑडियंस क्रिएट है। अगर किसी का प्रमोशन करता है, प्रमोशन पे उसका हर अलग अलग चार्जेस होता है, जैसे अगर वो स्टोरी डालता है स्टोरी का चार्जेस अलग होगा, पोस्ट डाल रहा है तो पोस्ट का चार्जेस अलग होगा, और रील्स, क्योंकि रील्स एक ऐसी चीज है जो अभी अभी आई है, पहले इतनी ग्रो नहीं थी, जो टिकटॉक था तब रील्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब इंस्टाग्राम पे आपको रील्स देखना मिलती है और ज्यादा से ज्यादा पर्सन इंस्टाग्राम को इसी चीज के लिए यूज करते हैं कि वो रील्स से अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है। ठीक है, तो उसी एंटरटेनमेंट के ऊपर आपको ऐसा कंटेंट डालना कि ताकि पर्सन आपकी वीडियो को स्टक करके देखे वहां पे, कि रुके होल्ड कर सके, कि आप ऐसा हुक डालो उस वीडियो में, इतना अच्छा अवेलेबल कंटेंट डालो कि ताकि पर्सन उस पर रुक के देखे और आपकी प्रोफाइल तक पहुंच जाए। ठीक है, सबको कंटेंट भी हमने बात की कि कंटेंट अपना खुद का होना चाहिए, बनाया अपना खुद का होना है, कॉपी किसी का करना नहीं, क्योंकि कॉपी करोगे तो आपका प्रोफाइल पे रहना अच्छा नहीं होगा और ना आपका पर्सन प्रोफाइल देखेगा, क्योंकि आप वहां पे आपको ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर नहीं सकता, क्योंकि आप दूसरों की चीज कॉपी कर रहे हो और डाल रहे हो। ठीक है, सो अपना खुद का कंटेंट बनाया होना चाहिए, अपना खुद का प्रोफाइल होना चाहिए, अपने खुद का बोलना का कंटेंट होना चाहिए, आप जो बोल रहे हो आप खुद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई और आके बोल रहा है। सो अपने प्रोफाइल पे अपन खुद ही शो करना चाहिए, और आप अगर जो पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, सकता है अगर आइडियाज भी शेयर कर सकते हो, आइडियाज कहाँ से क्रिएट करना है अपने को, अपने माइंड से अपने को यूज करना है, आपको गूगल पे भी बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, लेकिन आपको अगर जो पोस्ट क्रिएट करनी है वो आप कैनवा ऐप का यूज कर सकते हो। कैनवा ऐप एक ऐसी चीज है जहां से आप एकदम वैल्यूएबल एंड एकदम अट्रैक्टिव पोस्ट वहां से क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपका पोस्ट एंड फीड अच्छे से दिखे। अब जैसे अगर पोस्ट तो बात आ गई, तो पोस्ट से आप अपना बिजनेस शेयर कर रहे हो, लेकिन आप रील से इतना पैसा जनरेट कर सकते हो, जो वैसी आपको कोई सा टूल नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम में जिससे आप पैसा जनरेट कर सकते हो। रील से एक ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को फ्लो करवाती है आपके अकाउंट तक, रीच करवाती है, एल्गोरिदम बढ़ाती है, मोनेटाइज करती है, CM CPO ये चीजों का भी आप थोड़ा सा समझना, आपको अभी लाइटली आपके पास रहेगा क्योंकि आपके पास इन चीजों का नॉलेज नहीं, बट इन चीजों का अगर ध्यान रखे आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपके पास डेली बेसिस 10,000-15,000 जितना चाहो उतना आप इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हो यूज करके। ठीक, सो फ्रेंड्स ये बात हो गई थी हमारी रील्स की, रील्स पे कंटेंट किस टाइप से डालना है, किस टाइप से हमको वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात आएगी हम पैसा किस टाइप से जनरेट करें, वही चीज के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा है आपको कि फर्स्टली हमको हमारी प्रोफाइल सेट करना है, सेकंड हमारा बायो सेट होना चाहिए, थर्ड हमारी हाईलाइट, और फोर्थ हमारा फीड। मतलब फीड मतलब मींस ये होता है कि आपकी जो पोस्ट एंड जो रील्स आप अपलोड करो उसका सिस्टम पूरा स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ताकि पर्सन को अच्छे से वहां से क्लियर हो पाए, पर्सन को वहां से वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाए। ठीक है, जिससे उस पर्सन की लाइफ में कुछ फुलफिल हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि बुक्स पढ़ के उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो, वहां से आप वो वैल्यूएबल कंटेंट भी डाल के शेयर कर सकते हो, ताकि दूसरे आपके पर्सन को माइंडसेट क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली चीजें होती क्या है। क्योंकि जैसे अगर एग्जांपल मैं अफिलिएट मार्केटिंग का बताऊंगा, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग इस टाइप से बूम कर रहा है इंस्टाग्राम इंडस्ट्री से, आप इतना पैसा जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से, कि और ज्यादा से ज्यादा पर्सन आपको अफिलिएट मार्केटिंग में मिलेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा पर्सन रील्स बना के अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो उसी टाइप से आप भी बना सकते हो। लेकिन
लेकिन वो क्या कर रहे हैं जिससे उनकी रील्स का ज्यादा ज्यादा व्यू आ रहा है, ज्यादा ज्यादा उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं ना, तो किस टाइप से होता है उनका है ना, फर्स्टली उनका कंटेंट बना होता है, एग्जैक्टली वो एक कंटेंट पे काम करते हैं, उन्होंने उनकी नीश तैयार कर रखी रहती है, ठीक है, उनकी कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलोअप लेते हैं उनकी खुद की प्रोफाइल का भी, जरूरी नहीं है किसी पर्सन का भी लेना होता है, क्योंकि आप अगर आपकी प्रोफाइल का भी अगर फॉलोअप लेते हो कि आपने कब जाके कब पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अगर कंसिस्टेंसी करते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप डालना है, अगर आप अगर डेली बेसिस नहीं डालते हो तो आपका इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कम होता है, जिससे आपका मोनेटाइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिससे आपकी रील्स पे भी व्यूज नहीं आते, इसी कारण अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा पर्सन तक नहीं पहुंचता और ऑप्टिमाइजेशन होने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपने को कंसिस्टेंसी वर्क करना, कंसिस्टेंसी अपने को रील्स डालना, कंसिस्टेंसी हमको पोस्ट अपलोड करना है। आप अगर 7 days का चैलेंज लेके भी चलते हो, 7 days में अगर आपको डेली बेसिस आप अगर 2 reels भी अपलोड करते हो, जिसके साथ आपके पास 7 days में 14 reels अपलोड हो जाती है। और सेकंड थिंग्स मैटर करते हैं, जैसे अगर आप रील्स डाले तो रील्स में आपके जो हैशटैग यूज करते हैं वो ओनली 4 to 5 होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 10 से 15, 15 टू 20 डालो, 20 अबव तो डालना ही नहीं, अगर आप 20 भी डालो लेकिन वो उस टाइप से डालना है कि जो आपका कंटेंट डाल रहे हो, अगर आप रील्स पे ओनली एंटरटेनमेंट के लिए रील्स अपलोड कर रहे हो तो ओनली उसी टाइप से होना चाहिए जो अभी मेनली ट्रेंडिंग में चल रहा है। और नेक्स्ट बात आती है, अगर बिजनेस रिगार्डिंग डाल रहे हो तो आपको बिजनेस के रिलेटेड 4 to 5 ही ओनली हैशटैग यूज करना है, जिसके थ्रू आप अगर हर पोस्ट पे सेम हैशटैग यूज कर रहे हो तो आपका जो प्रोफाइल है वो ज्यादा से ज्यादा पर्सन तक रीच होगा, ज्यादा पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, कनेक्ट होंगे, जिससे आपके फॉलोअर भी बढ़ेंगे और आपकी इंस्टाग्राम मोनेटाइज भी होगा। ऐसा यहाँ पे नहीं है कि अभी तक सिर्फ आपने यूट्यूब पे देखा है कि आपकी प्रोफाइल या फिर सब्सक्राइबर 1000 हो तभी आपका मतलब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, ऐसा यहाँ पे इंस्टाग्राम पे नहीं होता। इंस्टाग्राम पे ओनली मांगता है आपका कंटेंट और आपकी मांगता है एक मतलब बेस्ट रील्स, ठीक है, रील्स के लिए। और सेकंड थिंग्स इंस्टाग्राम मांगता है आप जो हैशटैग यूज कर रहे हैं वो एकदम प्रॉपरली होना चाहिए, आप अगर अलग अलग वे से अगर हैशटैग यूज करो जिससे आपकी प्रोफाइल पे रीच भी नहीं आएगी ना आपकी व्यूज आएंगे, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। 7 days चैलेंज लेके चलना, 7 days में आपको हर दिन आपको 2 reels अपलोड करनी, वो भी आपको टाइमिंग के साथ अपलोड करनी, ऐसा नहीं है, बट कहते हैं बहुत सारे टाइमिंग के साथ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइमिंग का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप डेली बेसिस कंसिस्टेंटली 7 days डाल सको। अगर आप 2 बजे डालो तो ओनली 7 days तक आपको 2 बजे ही डालना, अगर आप 6 बजे डालो तो 6 बजे ही डालना, ऐसा नहीं है आपने आज 6 बजे डाली कल आप 3 बजे डालो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सेम टाइम ही आपको अपलोड करना है जिसके थ्रू आपका मोनेटाइजेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये तो बात है हमारी क्लियर हो गई है कि हमको रील्स से कैसे क्या ऑडियंस बिल्ड करना है, हमको वहां से पैसा किस टाइप से जनरेट होगा, पैसा तो आपके पास ऑडियंस आएगी तो अपने आप पैसा जनरेट होगा, सिंपली बात है, आपको ओनली कंटेंट शेयर करना है, अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना है, सिंपल सा और अच्छे से पर्सन को समझ में आया एक्चुअली में आप करके आ रहे हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपको सारा सिस्टम समझ में आया किस टाइप से हमको करना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आपको अगर कुछ चीज की नीड लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उस कंटेंट में भी आपको वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है।